हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, आरक्षण को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस साल जीरो ईयर होने वाला है। क्या होता है जीरो ईयर दोस्तों? यदि उस साल नौकरी की कोई भर्तियां ना निकले तो उसे जीरो ईयर घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण का ग्रहण इस कदर छाया हुआ है हमारे प्रदेश में कि ऐसा लग रहा है कि मानो इस साल जीरो ईयर घोषित ना हो जाए, कोई भी नौकरी इस आने वाले सालों में नहीं निकलेगा। ऐसा प्रतीत जो कहना चाहिए आपका आरक्षण के जो ग्रह है, काला छाया जो है छत्तीसगढ़ की नौकरियों पर लग गया है। देखिए दोस्तों, ये पेपर कटिंग आपको शो हो रहा है। जीरो ईयर की कगार पर सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा, एक साल होने को है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी द्वारा अभी तक कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। प्रदेश में आदिवासियों के आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के कारण फिलहाल छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग में कोई भी पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। भर्तियों के लिहाज से प्रदेश की सबसे प्रमुख अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के यदि सबसे बड़े भर्ती परीक्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, जो कि 2022 में भी जीरो ईयर होने की आशंका है। सीजीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए 54 विभागों में ही विभागों परीक्षा के लिए प्रस्ताव मिले हैं, वह भी आरक्षण के पेच में। देखिए, 54 विभाग की भर्तियां निकलने के लिए प्रस्ताव तो भेजा जा चुका है, लेकिन आरक्षण की वजह से पूरी तरीके से लटक चुकी है। जी हां दोस्तों, जीरो ईयर घोषित होने की कगार पर हैं विभिन्न प्रकार की भर्तियां। इस पर आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, वे क्या उनका कहना है? देखिए, आवश्यक होगा तो विधानसभा में लाएंगे विशेष सत्र। भूपेश बघेल जी का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर तो विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे, लेकिन जो आदिवासी भाई है उनके 32% आरक्षण में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों, यदि हाई कोर्ट की बात करें और राज्य सरकार की बात करें तो दोनों की जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे से विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कैसा प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, इसका अंदाजा वर्तमान परिस्थिति में जो चीजें हो रही है उसके हिसाब से लगाया जा सकता है। अब देखना यह है दोस्तों कि कब तक हमारे प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों की भर्ती होगी। साथ ही साथ वर्तमान में जो भर्ती लटकी हुई है, चाहे वह एसआई परीक्षा हो या अन्य जो परीक्षाएं हैं, इसके अलावा जो आने वाली भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी होना है, 18,000 पदों में लगभग 12,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होना है, वह भी आरक्षण की वजह से लटका हुआ है। अब देखेंगे क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो अपडेट था हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा किया है। जय हिंद।